नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं पश्चिमी यूपी में अपना प्रभुत्व रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी है। देखकर इस पर खास रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी कभी दिवंगत चौधरी अजीत सिंह का गढ़ हुआ करता था। जाट और मुस्लिम समीकरण के सहारे पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार ने दशकों तक पश्चिमी यूपी की सत्ता पर राज किया। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जाट और मुस्लिम समीकरण पूरी तरह से ढह गया। चौधरी चरण की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के कंधों पर है। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी पर एक बार फिर से आरएलडी को पश्चिमी यूपी को खड़ा करने की जिम्मेदारी है। आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके बाद से ही वे लगातार पार्टी में सक्रिय हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जयंत ने चुनाव अभियान 2022 समिति का गठन किया है। इस समिति ने अब तक प्रदेश के 11 जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को चुनाव अभियान समिति 2022 के गठन की घोषणा की। ये समिति विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जमीनी लेवल पर पार्टी को मजबूती देने का काम करेगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में संगठन और फ्रंटलाइन संगठनों के साथ सामंजस्य बैठाया जाएगा। इस दौरान जयंत ने इस समिति के लोगों से ऑनलाइन वर्चुअल मोड के जरिए बातचीत करके उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। चुनाव अभियान समिति ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के कोऑर्डिनेटर्स के नामों की घोषणा भी कर दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ज्यादा फैला हुआ है। इसको देखते हुए पार्टी की रणनीति उन जिलों पर चुनाव में पूरी तरह से फोकस करने की है। ऐसे में जयंत ने निर्णय लिया है कि उनका पूरा ध्यान उन जिलों पर रहेगा जहां पार्टी का जनाधार ज्यादा है। इस दौरान पार्टी ने सभी जिलों के कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी की। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरेगी। पंचायत चुनावों में भी सपा और आरएलडी गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों को कुछ खास सफलता नहीं मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों की बात करें तो अपने परंपरागत गढ़ बागपत को जयंत चौधरी बचाने में सफल रहे। बागपत को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जयंत चौधरी कुछ खास नहीं कर सके। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बसपा सत्तारूढ़ बीजेपी की कमियों को सामने ला रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने प्रदेश में दोबारा वापसी करने की बात करते हुए पंचायत लेवल पर मीडिया कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं, जो कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर शख्स तक पहुँचाएंगे। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। किसान आंदोलन के सहारे जयंत चौधरी अपनी पार्टी की नैया को पार लगाना चाहते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी